जैसे यार, इस बंदूक को बनाने के लिए हमने ऐसे ही साइज का एक नोटबुक का पेपर ले लिया है एंड इसको कुछ इस तरह से रोल कर देंगे, देखो यार कुछ ऐसे, एंड एंड पे ग्लू लगा देंगे, ठीक है, तो ये ऐसे करके चिपक जाएगा, देखो यार कुछ इस तरह से। एंड उसके बाद फिर से आपको कुछ इस साइज का एक नोटबुक का पेपर ले लेना है एंड इसको फिर से दोबारा इस तरह से थोड़ा सा पतला करके रोल कर लेना है, देखो यार कुछ ऐसे, ठीक है, तो इसको भी ग्लू लगा देना है। उसके बाद फिर से और एक नोटबुक का पेपर लेकर कुछ इस तरह से सेम तरीका से फोल्ड कर देना है, देखो यार कुछ ऐसे, तो हमने कर दिया है एंड एंड पे ग्लू भी लगा दिया है, ठीक है। तो अब देखो यार, आपको जो मोटा वाला है उसके ऊपर ग्लू लगाकर जो लंबा वाला है उसको कुछ इस जगह पर चिपका देना है एंड उसके बाद जो छोटा वाला है उसको कुछ इस जगह पर चिपका देना है, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद और एक पेपर लेकर कुछ इस तरह से आपको ऊपर वाला को ऐसे करके फोल्ड कर देना है जिससे ये मजबूत हो जाए, ठीक है। एंड जैसे मैंने दिखाया ऐसे करके आपको और एक रोल बना लेना है, देखो यार कुछ ऐसे, एंड ये रोल का नीचे से कुछ इस तरह से फोल्ड कर देना है, देखो यार कुछ ऐसे, ठीक है। एंड एक रबर बैंड लेकर इस जगह पर फंसा देना है एंड फंसा कर ग्लू से चिपका देना है, देखो यार हमने चिपका दिया, ठीक है। एंड इसको क्या करना है, ऊपर वाला रोल पे कुछ इस तरह से अंदर डाल देना है, ठीक है, देखो यार कुछ ऐसे। एंड रबर बैंड को टान के कुछ इस तरह से आगे फंसा देना है, देखो यार कुछ ऐसे। एंड उंगली पर इस बंदूक को घुसा देना है एंड ऐसे हमने एक छोटा सा बुलेट बना लिया है पेपर के मदद से, ठीक है, देखो यार कुछ इस तरह से आपको पीछे वाला हिस्से को ऐसे करके उठा देना है तो ये फायर हो जाएगा। यार बहुत तेजी से यार फायर होता है, आप जब इसको बनाओगे यार तब यार याद होगा।